हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी 8:09 हुई है, ठीक है, और 9 बजे एम्बेसी ओपन होने का टाइम है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना टाइम से ही जाके वहाँ पे सबसे पहले जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड करा के और आ जाए टाइम से, ठीक है। और अगर वहाँ पे कोई मिलेगा, कोई बंदा ठीक ठाक जो कि बातचीत कर रहा होगा, तो उनसे थोड़े बहुत आपके क्वेश्चंस जो कुछ होते हैं उनके बारे में भी बात कर लेंगे, ठीक है। अभी श्योर नहीं हूँ, बट आगे चल के देखते क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो अभी घर से निकलता हूँ, यहाँ से लगभग है 18-19 किलोमीटर, तो जाना तो है ही, और कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ जल्दी टाइम से, और फिर वहाँ पे चल के रास्ते में चलते हैं, कुछ मिलेगा तो दिखाता हूँ आपको, नहीं तो फिर वहाँ पे चल के तो दिखाना ही है ना। तो चलिए आज के व्लॉग को इसको शुरू करते हैं। सो व्लॉग शुरू करने से पहले, वेलकम बैक टू माई चैनल मेडिकोज माई लाइफ स्टाइल, दिस इज मोहित। आई एम गोना शो यू सम पार्ट ऑफ माई लाइफ इन माई ओन स्टाइल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस व्लॉग। का फ्यूल मिलता है डीजल, क्लीन 91 और प्रीमियम 95, 120 दिस क्लीन। और ये अभी नया खुला ये वाला पेट्रोल पंप, प्राइस देखेंगे आप तो यहाँ पे है 56.15, ठीक है। तो 56 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1.52 से, तो आप लोग आ जाएगा रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट उतना ही पड़ जाता है, शायद 5-7 पैसों, 5-7 रुपए कम है इंडिया से। सो दोस्तों अभी बात करूँ तो अभी मैं पहुँच गया हूँ, बाइक लेके आए थे हम लोग तो पार्किंग में लगा दिए। देखते हैं यार, बड़ा लपड़ा है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यार मतलब कॉम्प्लिकेटेड है इतना। एक तो रास्ते इतने कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है। उसके बाद ये लोग, पहले इनका जो ओल्ड ऑफिस था, सबसे पहले तो मैं गया जो मेन एम्बेसी जो होती है वहाँ पे, और फिर उसके बाद जब वहाँ पे मुझे गार्डों ने मार मार के भगा दिया, मतलब कि बोले कि भैया यहाँ पे आपको अपॉइंटमेंट चाहिए पहले, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। फिर मैंने उनको बताया कि मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह टेस्टेड कराने हैं सिर्फ, तो आप प्लीज़ मुझे जाने दो। तो उन्होंने मुझे दूसरा एड्रेस बताया कि आप उधर जाओ, दूसरी जो वहाँ पे वीज़ा वगैरह काम होता है उस वाली ऑफिस में जाके बात करो। तो फिर वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर मैं गया एक दूसरी जगह पे, जो कि गूगल पे अटे लिखा हुआ था, तो वहाँ पे गया। फिर उसके बाद वहाँ पे उन्होंने बोला कि यहाँ से तो वो एम्बेसी का जो ऑफिस था वो शिफ्ट हो गया कहीं दूसरी सिटी में, तो फिर इन्होंने बोला कि भैया आप उस सिटी में जाओ। वहाँ से मुझे उस सिटी का एड्रेस मिला और अभी मैं आया हूँ। तो यहाँ पे फिलहाल बिल्डिंगें बड़ी बड़ी हैं, तो अभी इस सिटी का एड्रेस मिला, अब यहाँ पे आए, यहाँ पे पार्किंग नहीं मिली बहुत देर तक, है ना, क्योंकि एम्बेसी की ऑफिस की कोई पार्किंग ही नहीं है यहाँ पे। तो अभी पार्क किया है साइड में, या पैदल पैदल चल के जा रहा हूँ एम्बेसी, तो देखते हैं अभी क्या होता है, हो पाता है कि नहीं हो पाता है, काम क्या होगा क्या नहीं होगा, जो भी होगा आप लोगों को बता ही दूंगा मैं। तो चलिए अभी चलते हैं एम्बेसी अंदर, ओके। जगह बहुत खूबसूरत है, बट ये आई थिंक तभी ये सब कॉमर्शियल जगह है सारी की सारी, तो इसीलिए इन्होंने यहाँ पे लिए ऑफिस वगैरह। तो चलिए जो भी होगा अपडेट मैं आप लोगों को दे ही दूंगा। बाय बाय। ये देखो दोस्तों, बेचारे कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं, नीचे का दिखाऊंगा ना, देख रहे हो कहाँ पे जाके नीचे, बहुत डेंजरस काम। दोस्तों दुखी हो गया हूँ आज बहुत, 3 बार बिल्डिंग ऊपर नीचे ऊपर नीचे, समझ रहे हो। अभी इन्होंने बोला कि जीरोक्स करा के लेके आओ इनकी, और भाई साहब पैसे लगते हैं अटेस्टेड कराने के भी बहुत ज्यादा। मेरे को 2 डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड कराने और उसके पैसे पता है कितने लग रहे हैं, यू कांट इमेजिन मैन, 1200 समथिंग पैसोज, तो मतलब 1800-1900 रुपीज 2 डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड के। अब लग रहा है इनकी कलम की पावर, समझ रहे। बट अच्छी जगह है यार, मकाती सिटी है तो अच्छी होगी ना, देख लो आप लोग।
अभी वापस जा रहा हूँ, सब जीरोक्स वीरोक्स करा के सब, और अभी देखता हूँ शायद फाइनल हो जाए। और अभी के लिए नहीं है, अगर अर्जेंट में चाहिए आपको तो लगेंगे 2000 समथिंग पैसोज, और वो भी मिलेगा 3 से 4 बजे। लेकिन मैंने बोला सर मैं 2-3 दिन बाद ही आ जाऊँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप बस कर दो अप्लाई कर दो, मैं दोबारा आ जाऊँगा भाई 2-3 दिन बाद। तो बस यही है, अभी चलते हैं, देखते हैं क्या कुछ करते हैं यार, बस हो जाए काम फिर निकलते हैं घर के लिए। भूख लगी है बहुत तेज, मरने वाली भूख लगी है सुबह सुबह, बट देखते हैं पहले ये काम कराते हैं फिर देखते हैं। तो दोस्तों अभी अगर टाइम की बात करूं तो 2 बजने वाले हैं, ठीक है, दोपहर के, और सुबह आप लोगों को पता ही है मैं कितने बजे घर से निकला था और अभी आया हूँ। लेकिन अच्छी बात यह कि मैं आते आते कैंटीन में किसी में एक में खाना भी खा के आ गया हूँ, और 3 बजे से क्लास है, फिर एक क्लास 5 बजे से है, और इतना हेक्टिक चीज़ें थी ना भाई साहब, 10 बार ऊपर नीचे एम्बेसी में वाट लगी पड़ी थी। और मैंने सोचा था कि शायद कोई बंदे बंदे बैठेंगे, कोई मिलेंगे तो बातचीत करूँगा इस बारे में कि भैया क्या चल रहा है, टूरिस्ट वगैरह का आने जाने का क्या है क्या नहीं है। लेकिन भाई साहब वहाँ तो बड़ी समझ रहे सिस्टम ही अलग ही, कैमरा वैमरा ले जाने नहीं देते, फ़ोन वोन सब जमा हो गए थे पहले ही, और बहुत प्रॉब्लमेटिक था सब कुछ समझ रहे हो। बट कोई नहीं, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी तो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मैं डाल दूंगा। तो जो लोग इंस्टाग्राम पे अभी तक नहीं आए वो लोग आ जाओ इंस्टाग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, क्लिक करो और फॉलो करो, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल दूंगा, ओके। और वीडियो तो आ ही जाएगी 1-2 दिन बाद उसकी, है ना, अगर मिली तो कोई इन्फॉर्मेशन। तो अभी बस अभी आ गया हूँ घर पे, अब सोच रहा हूँ थोड़ी देर 1 घंटा का आराम कर लूँ, 3 बजे की क्लास है तो 3 बजे तक आराम करके फिर क्लास विलास अटेंड करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको बाकी की चीज़ें भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थक गया हूँ यार एकदम ख़त्म कांड। तो दोस्तों अभी सुबह हो गई है दूसरे दिन की, और 8:47 हो गई है अभी, और यार इसके बाद मैं व्लॉग नहीं कर पाया क्योंकि मैं 2 क्लासेस थी और बहुत लंबी क्लासेस थी, शाम तक चली वो क्लासेस, एंड फिर मेरी हालत वैसी ऑलरेडी ख़राब थी तो फिर मैं सो गया और फिर उठा सुबह 7 बजे, ओके। तो अभी मैं एडिटिंग वगैरह कर रहा था, मैंने देखा क्या व्लॉग बनाए क्या नहीं बनाए, तो देखा कि लास्ट वाला पार्ट तो यही नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना अभी बता दिया जाए आप लोगों को। तो यार एम्बेसी में जाके आया, ठीक था काम, कोई दिक्कत नहीं आई, इतना होता ही है गवर्नमेंट जो भी ऑफिसेज होती है इतना तो चलता ही है ना। बट उसके साथ साथ एक काम था कि उन्होंने मुझे बोला कि 3 दिन जो वर्किंग डेज है 3 वर्किंग डेज के बाद आना फिर आपको मिलेगा, तो उन्होंने मुझे रिसिप्ट वगैरह दे दी जो भी मेरा काम था उसका, और अब मैं 3 दिन बाद जाऊँगा 3 वर्किंग डेज के बाद, तो देखते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन अगली बार मैं आपको ये सब नहीं दिखाऊँगा, अगली बार मैं आपको दिखाऊँगा मकाती सिटी, ठीक है, अच्छे से अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। तो ये सब करेंगे, और कोई अगर रेस्टोरेंट वगैरह भी होगा इंडियन वहाँ पे जो कि है, और मेरा कल भी मूड था क्योंकि मैं बोल रहा था मुझे भूख लगी है तो कुछ मिल जाए, लेकिन क्योंकि वहाँ पे जब मैं पार्किंग से निकल गया तो मुझे पार्किंग नहीं मिली दोबारा, फिर दिक्कत हो गई समझ रहे हो। वहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत यही है पार्किंग की, ट्रैफिक की और ट्रैफिक पुलिस की समझ रहे, तो इस चक्कर में फिर नहीं कर पाया और कुछ, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये व्लॉग कहीं ना कहीं से ज़रूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड, बाय। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, महाकाल का दबा के लाकर सेट ठोक दीजिए।